मध्य प्रदेश के कटनी जिले में रुक रुक कर 3-4 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। तो कटनी जबलपुर रेलखंड पर सलीमनाबाद और डुंडे स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक में बारिश के चलते जलभराव होने से पटरियां पानी में डूब गई, जिससे रेल यातायात प्रभावित हो रहा है। रेल प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए पॉइंट्समैन और रेल कर्मियों को मौके पर तैनात किया है। सोने एवं चांदी के आभूषणों की अनुपम श्रृंखला लक्ष्मी नारायण ज्वेलर, संपूर्ण हॉलमार्क ज्वेलरी। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, दिल्ली रोड, सागर। पॉइंट्समैन पानी से भरे रेल ट्रैक के बीच चलकर ट्रेन को रास्ता दिखाते नजर आ रहे हैं। बेहद सावधानी पूर्वक ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। सलीमनाबाद और बंदी स्टेशन के बीच ट्रैक पर जलभराव का वीडियो सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पॉइंट्समैन ट्रेन को रास्ता दिखा रहे हैं। वहीं जिले के कई गाँव का संपर्क तहसील और जिला मुख्यालय से कट गया है। नदी और नालों पर बने पुल पुलिया पूरी तरह पानी में डूब गए हैं। ढीमर खेड़ा, बहोरी बंद और सलीमनाबाद क्षेत्र में भी बारिश का कहर ज्यादा दिखाई दे रहा है। घुंघरी गांव, पोड़ी खुर्द और थिर्री गांव में एनडीआरएफ की टीम बाढ़ के बीच घरों में फंसे लोगों के रेस्क्यू में लगी है। पोड़ी खुर्द में चारों तरफ पानी से घिरे घर में छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग सहित 6 लोगों को रेस्क्यू किया गया। कटनी जिला के ढीमर खेड़ा का नजारा चारों तरफ पानी ही पानी तेज बारिश के बाद आया नजर सामने। ये परसों रात 22 तारीख की रात से लगातार बारिश ढीमर खेड़ा, उमरियापार और सलीमनाबाद अंतर्गत लगातार जारी है, जिसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति निर्मित हुई थी। अभी तक हमारे द्वारा ये 24 से 48 घंटे से लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जिसमें एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम और राजस्व विभाग की टीमों का एक संयुक्त प्रयास किया गया है। अभी कल रात तक हमने 54 लोगों को, जो गंभीर हालत में फंसे हुए थे, उनका रेस्क्यू किया है और उनको सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है। इसके अलावा जन सहयोग से भी हमारे द्वारा लगभग 450 लोगों को गांव से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है और उनके भोजन वगैरह की प्रबंध प्रशासन के द्वारा की गई है। प्रशासन के द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में हमारी उमरियापान, नीमरखेड़ा, सलीमनाबाद की पूरी टीम लगी हुई है, जो सतत निगरानी रख रही है और लगातार वीडियो और के माध्यम से लोगों से व्यक्तिगत रूप से बात करके पूरी जानकारी इकट्ठी की जा रही है। जहां कहीं भी आवागमन में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, वहां पर नावों के माध्यम से पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है और सुरक्षित लोगों को निकाला जा रहा है। सोने एवं चांदी के आभूषणों की अनुपम श्रृंखला लक्ष्मी नारायण ज्वेलर, संपूर्ण हॉलमार्क ज्वेलरी, एंटी कुंदन, पोलकी, इटालियन ज्वेलरी, IGI द्वारा प्रमाणित डायमंड ज्वेलरी एवं राशि रत्न। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, दिल्ली रोड, सागर।